नाम नसीर है, मैं मरक्के का हूँ। और मेरी माँ हमारी प्रॉपर्टी में साथ मेरे भाई हैं, जिसमें देखे तो 4 महीनों का हिस्सा दे दिया और 3 महीनों का भी हिस्सा माँ लिखती थी 15 ईयर्स पहले। लेकिन वो जो हिस्सा है मेरा, हम तीनों बहनों का, मेरे भाई तीनों कब्जा करके बैठे थे। अब मैं आज मेरी माँ से मिलने, 3 महीने से मेरी माँ से मिलने दे रही, आज मैं मेरी माँ से मिलने गया था, मेरे तीनों भाई और तीनों भावजा तीनों मिलकर मेरे को इतनी मार मारे हैं, तीनों मेरे पैसा मिलते। और बड़े भाई बोल रहे हैं कि सिग्नेचर जब तक नहीं करे तुम तो मेरे को माँ से मिलने नहीं देते बल्कि बोले। ये उसूल है क्या बोली आप? ये हक ना हक ये भी देख रहा है अल्लाह, उनका कुछ वो ईमान नहीं है क्या? अब ये बोलिए मीडिया कह के लिए सिग्नेचर पूछ रहे हैं आप जी? सिग्नेचर कह के लिए पूछ रहे हैं हम की, हमारी जो प्रॉपर्टी हम तीनों बहनों की, वो बड़े भाई तीनों कब्जा करना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं कि वो सिग्नेचर करके दे दो तभी माँ से मिलने देंगे, जब तक आप यहाँ से जाइए। बोल रहे मैं ज़बरदस्ती कहा मैं मेरी माँ से मिला, बहुत एजेड है मेरी माँ, मैं मेरी माँ से मिलना, सिर्फ एक नज़र देखना चाह रहा हूँ मेरी माँ से, 3 महीने से मिलने दे रहे हैं तो मेरे को इतनी बुरी मार मारे, मेरे मुँह से खून निकल रहा। जुल्म मारे आपके तीनों भाभियाँ और मेरे तीनों भाइयाँ मिलकर मारे हैं मेरे को। सगे भाइया हाँ सगे भाइया हैं मेरे। नाम बोलिए। एम ए रजा, एम ए रहीम, एम ए मोईन। पुलिस कंप्लेंट करे? पुलिस कंप्लेंट करा हाँ, तभी मेरे को यहाँ हॉस्पिटल को भेजा है। बोलो कौन से पी एस में गए? मलक पे पी एस में। और तीनों भाभियाँ मेरे मुना है, फिरदौस है और नाजिया, ये तीनों मिलके देखे तो मेरे को मार रही है। इंसाफ है क्या बोलिए? एक माँ के लिए मैं तड़प रहा हूँ, 3 महीने से मैं बेचैन हूँ मेरी माँ के लिए। मैं कमिश्नर साहब से अपील करता हूँ कम मेरी माँ से मेरे को मिला दीजिए, बस मैं मेरी माँ को एक नज़र देखना चाहता हूँ। ये उन लोग के फोटोज भी बता दीजिए कौन कौन है और उन लोग का एफ के ऑटो पार्ट्स नहीं बता भी देते। देखिए देखिए मेरी माँ जो हम लोग दिए हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स भी है मेरे पास। सामने कीजिए मैडम, थोड़ा सा सामने करिए आप। ये देखिए हम तीनों भाई ना है और ये मेरी माँ है। ये प्रॉपर्टी आपके मदर के नाम पे, माँ के नाम पे है ये? ठीक है। उन लोग का हिस्सा उन लोग दे दिए चारों भाइयों का जी, उन लोग का हिस्सा कब्जा करना चाह रहे हैं। अगर नहीं ये तो इसकी माँ ठीक कर रहे हैं हमेशा, ये इंसाफ है क्या बोलिए? मैं कमिश्नर साहब से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हमारे मेरी माँ को मिला। ओके, एफ आई आर हो गया आपका जी? हाँ, एफ आई आर लेटर लाया, एक बार वो भी शे को शो कर दीजिए। ऑटो पार्ट्स क्या है वो? एफ ऑटो मोबाइल है, देखिए मैंने पर टी वी टावर जी, ऑटो मोबाइल है मेरे भाई का तीनों का जी। तो कितने दिन से लगातार आपके ऊपर जुलूम कर रहे हैं लोग? 3 महीने से। 3 महीने से ये प्रॉपर्टी बेचकर आप कितने महीने हो गया है? लगभग 3 महीने हो। जो रजिस्ट्रेशन हो गया, जो ओनर खरीदे वो रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो फिर भी उन लोग क्यों आपके साथ हैरेसमेंट कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल नजीब है, मैं मलकपुर टी टावर के पास रहता हूँ। अगर मैं हमारा जाती मकान था, हमारे वालदा हमारा हिस्सा कर दिए थे, 5 हिस्से करे थे, जिसमें से एक हिस्सा मेरी बहनों का और एक हिस्सा मेरा था। जो मैं मोहम्मद अब्दुल जी, एक हिस्सा मेरा था जो मैं सेल करना चाह रहा था। उसके बाद जैसा भाइयों को पता चला, वो मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, फोनों पर भी बोल रहे हैं, घर पर भी आए तो ख़त्म कर देते बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? ये मोहम्मद अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद अब्दुल रहीम, मोहम्मद अब्दुल मोहित, ये तीनों बोल रहे हैं। मैं घर पे गया तो मेरी जान को धोखा है, अगर मैं उधर रखा है तो जान को धोखा है। मैं 2-3 बार पीएस को अपील करने गया तो पीएस वाले बोल रहे हैं नहीं तुम गए थे क्या, वो कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और भेजा दिए, मेरी इंतजा भी नहीं सुने। ये धमकी देने की वजह क्या है? हमारी प्रॉपर्टी देश है, उनको चाहिए था शायद वो प्रॉपर्टी, नाजायज़ तरीके से कब्जा करना चाह रहे थे। कितने भाई लोग हैं आप लोग? हम लोग 4 भाइयाँ हैं, हम लोग 4 भाइयाँ आज 3 बहनें हैं। हमारा हिस्सा हम बेचना चाह रहे थे तो इसमें ये हरकत हो रही। अभी मैं 2 महीने से घर नहीं गया, मेरे घर में मेरी गाड़ी पड़ी हुई है, मेरा जेवर पर है, मेरे वाइफ का जेवर है, कैश है, सब है, मेरे सामान घर का। मैं 2-3 महीने से घर के बाहर फिर रहा हूँ अकेला, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से अंजनी कुमार अंजनी कुमार से मैं इल्तिजा कर रहा हूँ कि मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। आज मेरी बहन के साथ ये हुआ, जो माँ से मिलने गए थे, मेरी माँ से मिलने गए थे, आज 14 साल से मैं मेरी माँ को मैं संभाल रहा हूँ। आज बहन के ऊपर कौन अटैक करे? मेरे भाई तीनों, मोहम्मद अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद अब्दुल रहीम, मोहम्मद अब्दुल मोहित और उनके वाइफ अटैक करे। ये ऑलरेडी डिवाइड कर दिए थे, ये ऑलरेडी सेल डीड भी वो हिबा हो गया उसका पेपर्स का, और उसका पार्टीशन डीड भी हो गई उसकी।
करा दिए, बाद में भी ये हरकत होती मेरे साथ। कौन से पीएस में कंप्लेंट करें? मलकपेट पीएस, मलकपेट टीवीटर पीएस। पुलिस की तरफ से आप लोगों को रिस्पांस नहीं आ रहा? अभी मेरे को तो रिस्पांस नहीं आया, मैं 2-3 बार अपील करने गया लेकिन मेरे को रिस्पांस नहीं आया मेरे को कुछ। अभी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को तेलंगाना गवर्नमेंट से काफ़ी उम्मीद है, होम मिनिस्टर साहब से काफ़ी उम्मीद है, CP साहब से काफ़ी उम्मीद है, मेरे को अंजनी कुमार यादव साहब से बहुत ही उम्मीद है। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं हैंडीकैप हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। आप लोग नहीं करेंगे तो मेरी कौन मदद करेगा बोलिए। अब आप, मैं आपसे उम्मीद रख के मैं अब ये काम कर रहा हूँ। अब आप अभी एक्चुअली आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? अभी हमारे को ये प्रॉब्लम है कि हमारे बहन गए वो माँ वालदा से मिली, वो नहीं दे रहे, मेरा सामान अटका हुआ है, मेरी गाड़ी अटकी हुई है, मेरी हर चीज़ अटकी हुई है। मैं गाड़ी रही तो कुछ काम कर सकता, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, सामान लेने नहीं दे रहे मेरा, मेरे को मैं कब्जे पे हूँ अभी था लेकिन 3 महीने पहले हकाल दिया मेरे को, घर पे आए तो मार देते, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। फोन बोले आपको जान से मार देने? मेरे तीनों भाइयाँ बोल रहे हैं फ़ोन पे, एक भाई की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अभी फिलहाल कहाँ हैं आप लोग? अभी मैं तो सुसान में हो गया, जैसा हो गया मेरा ऐसा। अच्छा, आप क्या